हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल राइडर शक्ति में, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शक्ति सिंह। सो गाइस, काफी टाइम से मैं सोच रहा हूं अपने बाइक में एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना। टाइम टू टाइम मैं अपने बाइक में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता रहता हूँ। तो आपने देखा होगा कि टूरिंग सेटअप में मैं अपना टेल बैग यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर इस सीट के ऊपर आता है, मीन्स की पिलियन सीट पर हमारा टेल बैग आता है। उस कारण से क्या होता है कि पीछे पिलियन नहीं बैठ सकते, तब सिंगल राइडर के लिए ही जगह होती है, और वो बैग कई बार आपको डिस्टर्ब भी करता है राइडिंग के ड्यूरेशन में। यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है, जो ये पीछे दिया गया है, इसमें छोटा सा एक हिसाब से छोटा प्लेट भी लगा होता है, पर ये काफी छोटा है। इससे हम काफी सारी चीजों को तो बांध सकते हैं, पर बहुत सारी चीजें इस पर नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर हमको लगाना पड़ता है एक टॉप रैक प्लेट। तो गाइज, इसके लिए मैंने कस्टमाइज किया है अपना एक टॉप रैक प्लेट, और मैंने इसके लिए कांटेक्ट किया हाइड आउट कस्टम से। हाइड आउट कस्टम तमिलनाडु बेस्ड एक फर्म है, और इसके जो ओनर है वो है अभी अभिनेश वाला, उनका नाम है हाइड आउट कस्टम। आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, बातें हुई, तो उसके बाद हमने एक चीज बनाई अपने लिए, वो बनाई ये एक कस्टमाइज टॉप रैक प्लेट। मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द टॉप रैक प्लेट। सो गाइज, ये कुछ कुछ ऐसी दिखेगी, अगर आप देख पा रहे होंगे ये ऐसी दिखेगी, राइट। तो ये स्टार्टिंग में हमने एक प्लेट बनाया, और मैंने इसका कलर रखा व्हाइट कलर, और ये प्लेट काफी हैवी है, 1 किलो से तो ऊपर ही है इसका वेट आई थिंक। अब हमने इसको बनाया, इसमें हमने कस्टमाइज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा अपना चैनल का लोगो भी दे दिया राइडर शक्ति, और यहाँ पर आपको यूट्यूब का भी लोगो दिख रहा है, और यहाँ पर मैंने अपना ये भी दे दिया आई एम ए पॉजिटिव। सो गाइस, जब हम इसको जोड़ेंगे ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हैं ये लुक वाइज तो बहुत ही सुंदर लग रहा, बहुत ही प्यारा लग रहा। इसका कलर कॉन्ट्रास्ट ऐसा है कि जो दूर से एकदम दिख जाता है, और इसमें जो राइडर शक्ति का लोगो है वो भी साफ स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें बस एक ही ड्रॉबैक था, जब हम इसको जोड़ते हैं लगभग ऐसा जुड़ जाता है। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीट के साथ टच हो जाता है, और यहाँ पर स्पेस बहुत कम बच जाता है, और इससे क्या होता है, दिक्कत ये होती कि अगर मान लो पिलियन बैठा है तो पिलियन के बैक को ये डैमेज कर सकता है, इससे ये इशू आ सकता है। और जब हम बैग लगाएंगे यहाँ पर तो मे भी हो सकता है मेरे बैग को या मेरा स्लीपिंग बैग या कोई कैरी करने वाली आइटम हो तो उसको ये आइटम उसको भी डैमेज कर सकती है। सो इसके लिए हमने फिर से कांटेक्ट किया हाइड आउट कस्टम से, और उन्होंने मेरे लिए एक अलग से एक प्लेट बनाई जो कि थी इस टाइप की प्लेट, और इसका कलर है ब्लैक, और इसमें यहाँ पर बैक में दिया गया राइडर शक्ति। अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये दोनों प्लेट कुछ कुछ ऐसी बनी, इसका टॉप में ये दिक्कत थी पर ये काफ़ी अच्छी थी। इसका प्लस पॉइंट ये था कि व्हाइट कलर काफ़ी दूर से लोगों को दिखता है और अट्रैक्ट करता है, पर हम लगाएंगे अपनी बाइक में ये वाली टॉप रैक प्लेट। अब हम इसको जोड़ते हैं, इसके साथ कोई नट नहीं आया तो इसके लिए मैंने कुछ एक नट ढूंढे, मैं आपको इनका साइज भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए टॉप सेम है, टॉप में कोई फर्क नहीं है, बस इसके साइज में इतना फर्क है। सो गाइस, इस प्लेट को लगाने के लिए आपके पास चाहिए 10 नंबर का ये वाला टूल, राइट। इस टॉप रैक प्लेट को हम डायरेक्टली लगाएंगे, पर इसके लिए मैंने क्या किया, एक सॉफ्ट सिलिकॉन टाइप की एक शीट है, उसमें भी मैंने होल्स किए हैं ताकि मैं इसको यहाँ पर लगाऊं, ताकि ये मेरी इस बेस है उसको डैमेज ना करे। तो जस्ट इसको रखा इस टाइप से, और ऊपर से एक नट लगा दिया, तो दूसरा नट भी हमने यहीं पर जोड़ दिया, एंड फोर्थ वन। स्टार्टिंग में इसको हाथ से जोड़ लेते हैं, और इसको जोड़ना बहुत ही आसान है, बड़े आराम से ये लग जाती है। सो ये जुड़ गई, और मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा स्टडी है, बहुत ही सॉलिड है, इसके ऊपर अगर अब मैं बैठ भी जाऊं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी मैं पूरा वेट दे रहा हूं, देखिए ये गजब। सो गाइस, ये टॉप रैक प्लेट हमारा कुछ कुछ इस टाइप से लग गया है, आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी प्यारा लगता है, बढ़िया सुंदर, और ये ब्लैक कलर में है, और ब्लैक कलर्स होने के कारण ये आपकी बाइक के साथ पूरी तरह से मैच भी करता है, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई एक्स्ट्रा आइटम्स लगाए।
सो गाइस अगर हम इसके ऊपर लगाते व्हाइट कलर तो उसका लुक कुछ और हो जाता है। मैं एक बार आपको व्हाइट कलर वाली प्लेट को भी लगा के दिखा लेता हूँ। सो गाइस देखिए चंद मिनटों में मैंने इसको भी जोड़ दिया, और मेरे से अगर आप पर्सनली पूछते हैं तो मुझे ये कलर ज्यादा पसंद है। तो गाइस अगर मैं इसके प्राइजेस की बात करूं तो 1600 दैट मीन 1600 रुपीस विद शिपिंग ये टॉप रैंक प्लेट आपको पूरे इंडिया में पैन इंडिया में आपको मिलेगी। ये प्लेट ऐसी कुछ लगेगी। अगर हम बाइक की बात करते हैं तो बाइक में क्या होता है, ये वाला प्लेट आपको बिल्कुल दूर से ही विजिबल हो जाता है और आप आसानी से देख लेते हैं कि पीछे टॉप रैक प्लेट लगा हुआ है। बाकी आप बताइए आपको ये टॉप रैक प्लेट ज्यादा पसंद है या फिर जो ब्लैक वाला प्लेट है वो ज्यादा पसंद है। सो गाइज अगर मैं बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मुझे ये टॉप रैक प्लेट काफी ज्यादा पसंद आई, काफी सॉलिड है, काफी हैवी मेटल से इस चीज को बनाया गया है और काफी ड्यूरेबल है। अगर वन टाइम अगर आप लेते हैं तो ये मान के चलिए आपके पास ये टॉप रैक प्लेट ऐसी है जो पूरी लाइफ रहेगी। इवन मुझे तो ये भी लगता है कि मे भी हो सकता है ये टॉप रैक प्लेट आप और बाइक में भी यूज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये सोल करने पड़ेंगे, ज्यादा बेटर तरीके से हाइड आउट कस्टम आपको बता पाएगा। और गाइज अगर आप भी ऐसी टॉप रैक प्लेट के लिए ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको सिंपली एक छोटा सा काम करना है, सीधे जाइए इंस्टाग्राम में और इंस्टाग्राम में आप हाइड आउट कस्टम को डीएम कीजिए डायरेक्टली, वो आपके लिए इस टाइप की कस्टमाइज टॉप रैक प्लेट बना सकते हैं। और बिलीव मी ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि शायद आपके लिए लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। लाइफ में आपको मेरे ख्याल से दूसरी टॉप रैक प्लेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसा कर सकते हैं अगर ये फेड हो जाती तो आपको क्या करना, सिंपली इसको फिर से पेंट करवाना पड़ेगा। और होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हाइड आउट कस्टम स्पेशली अभी भाई, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक का बटन उसको प्रेस कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए आज के लिए इतना काफी, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।